हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा सेशन है एक इम्पॉर्टेंट सेशन है कि बोर्ड एग्जाम में हम कैसे स्कोर को अपने बढ़ाएं, कैसे हम परसेंटेज हाई करें और क्या क्या लास्ट 15-20 डेज में हम प्रिपरेशन करें जिससे हम बोर्ड एग्जाम में एक बेटर रिजल्ट दे पाएं। देखिए, आप लोग पिछले कई समय से ये बात पूछ रहे हैं कि सर अब 12th बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, हम जेई मेन्स की प्रिपरेशन करें या ना करें। जेई मेन्स के फर्स्ट अटेम्प्ट में जनवरी वाला सेशन था, उसमें अच्छा परसेंटाइल नहीं है, तो सेकंड के लिए बोर्ड के साथ कैसे प्रिपरेशन करें, या डिफरेंट डिफरेंट आपके इश्यूज थे। सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा आपको, इस सेशन के लिए मैं अभी तक इसलिए रुका था क्योंकि मेरा ये दिमाग में था कि लास्ट 10-15 डेज में आप क्या करें, वही एक चीज़ मुझे फोकस करनी है, क्योंकि अब आपके पास हार्डली 15-20 डेज रिमेनिंग है। इन 15-20 डेज में ऐसा क्या करें कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में एक बेटर रिजल्ट की तरफ टर्न कर पाए। नंबर वन थिंग कि स्कोर कैसे हाई करना चाहिए, वो पहले एक चीज समझिए कि जब हम 10th या 12th के एग्जाम की बात करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा रिजल्ट लाना और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रिजल्ट लाने में क्या डिफरेंस है, वो अगर आपको पिक्चर क्लियर होगी तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर वन थिंग, अब आपके पास ना तो इस समय कोई स्कूल्स होते हैं ना कोचिंग्स होती है, सभी जगह सिलेबस एंड हो जाता है, तो लास्ट 15 डेज आपको अपने आप से ही फाइट करनी है और जो आप अपने आप से फाइट करेंगे एक्चुअल में स्कोर वहीं पे बढ़ेगा। तो ये सेशन आप बहुत ध्यान से सुनिए एंड तक, और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये सेशन आपने अगर इस पे जो मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ अगर आपने इस पे वर्क किया तो आपके स्कोर्स में इम्प्रूवमेंट होगा और डेफिनेटली होगा। नंबर वन कि आपको ये देखना है कि जो आपने अभी तक स्कोर्स में पेपर दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, टर्म्स, उनमें आपका प्रिपरेशन या परफॉर्मेंस कैसा था, यानी आपको पहले अपने आप को असेस करना है। नंबर वन थिंग, सपोज आपने प्री बोर्ड एग्जाम दिया और आपके प्री बोर्ड एग्जाम में 85% थे या 75 थे या 60 थे, तो पहले ये असेस करना जरूरी है कि आपके ये परसेंटेज कम या ज़्यादा जो भी हैं वो कैसे हैं और किस सब्जेक्ट में क्या क्या परफॉर्मेंस आई। मीन्स फिजिक्स में क्या परफॉर्मेंस थी, मैथ्स में क्या परफॉर्मेंस थी, साइंस में क्या परफॉर्मेंस थी, हिंदी में क्या परफॉर्मेंस थी, इंग्लिश में क्या, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम में परफॉर्मेंस के लिए हर एक सब्जेक्ट मैटर करता है। इंग्लिश का भी पेपर 100 मार्क्स का होता है और मैथ्स का पेपर भी 100 मार्क्स का होता है, मतलब हमें हर एक सब्जेक्ट पे वेटेज देना है। तो पहले सबसे पहला जो वर्क आपको करना चाहिए वो ये कि सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा और बहुत ही ऑनेस्टली करना होगा कि अगर मान लीजिए कि आपने जो अभी बोर्ड का प्री बोर्ड दिया था उसमें फॉर एग्जाम्पल कि आपके 78% थे, अब आपने चेक किया कि मैथ्स में उसमें 76 थे मान लीजिए, केमिस्ट्री में आपके मान लीजिए 80 थे, फिजिक्स में मान लीजिए 60 थे, इंग्लिश में एक एग्जांपल कि आपके 70 थे, हिंदी में या लैंग्वेज पे या ऑप्शन सब्जेक्ट में इस तरह से। अब सबसे पहले ये असेस करना जरूरी है कि अगर ये 76 थे तो 24 मार्क्स क्यों कम आए, या ये 80 थे तो ये कम क्यों आए, मतलब हमें ये असेसमेंट सेल्फ करना होगा। दूसरा, आपका परफॉर्मेंस स्कूल में थ्रू आउट द ईयर कैसा हुआ, ये भी एक असेसमेंट करना होगा, यानी टर्म से लेके हाफ ईयरली से लेके प्री बोर्ड तक, यानी आपका अभी यहाँ पर अदर से कंपेयर नहीं करना है, आपको खुद से अपने आप को फाइट करके अपने स्कोर्स पे फोकस करना है। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, आप ये मत देखिए कि दूसरा कितने परसेंट बना रहा, आप ये देखिए कि आपका फर्स्ट टर्म से लेके प्री बोर्ड तक परफॉर्मेंस अप हुआ है, डाउन हुआ है या अप डाउन हुआ है, यानी आपका ग्राफ कैसा है ये एक समझना है। अगर एक इंक्रीजिंग ग्राफ है कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, अगर अप डाउन हुए हैं तो क्यों हुए ये समझना जरूरी है। तो जो मैंने आपसे बात बोली कि एक एग्जांपल की मैथ्स में अगर 24 मार्क्स कम आए तो क्यों आए, क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट किए थे, या आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था, या आपका प्रेजेंटेशन बहुत स्किल अच्छा नहीं था, ऐसी सारी चीजों को आपको असेस करना होगा लास्ट, क्योंकि देखिए मार्च फर्स्ट वीक में लगभग हर एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों या डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के, इनफैक्ट कुछ एक स्टेट के एग्जाम तो मिड फेब में भी होते हैं। तो आपको एक चीज समझनी है कि आपके स्कोर्स में जो वेरिएशन है वो क्यों, अगर आपने इस बात को बहुत डीपली एनालाइज कर लिया हर एक सब्जेक्ट पर, जो जो सब्जेक्ट आपके हैं, हो सकता है तो उससे आपका एकदम से चेंज आ जाएगा। दूसरा, हो सकता है आपने जेई की प्रिपरेशन की, हो सकता है नीट की की, क्लैट की, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन की, अभी आप सारी प्रिपरेशन को स्टॉप कर दो, नंबर वन थिंग, अब आपका फोकस केवल अपने बोर्ड एग्जाम पे होना चाहिए। और याद रखिए ये बोर्ड एग्जाम का स्कोर जो है वो पूरी लाइफ टाइम काम आता है, यानी आगे जाके जब आप कैंपस इंटरव्यू बैठते हैं, आप
जब एग्जाम देते हैं सपोज यूपीएससी कैट इन सब जगह पे आपको इसका वेटेज मिलने वाला है, तो ट्राई ये करिए कि 10th 12th में जो बेस्ट कर सके। ये सेशन मेरा भले ही मैंने लिखा है मोर देन 90%, पर मैं बोलूंगा कि मेरा एक कहना है कि आपका परसेंटेज कितना आता है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना बेस्ट कर सकते हैं। आप अपना 100% देने की कोशिश करिए। एक चीज सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, तो आप जितने एग्जाम्स अब तक स्कूल्स में हुए हैं उनको एक असिस्ट करिए, नंबर वन थिंग। सेकंड थिंग कि जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करते हैं तो वहां पर, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम मोस्टली जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, MCQ होते हैं, तो उसमें हमारा राइटिंग स्किल्स का रोल बहुत कम हो जाता है या खत्म ही हो जाता है। पर जब हम बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन स्किल ही काम आता है। दूसरा, कोई भी बोर्ड एग्जाम हमेशा अपने सिलेबस से हटके नहीं होता, यानी आपको यहाँ पर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हम कई सारी बुक्स पढ़ते हैं, बट जब हम बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि स्ट्रिक्टली आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की बुक पढ़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप CBSE बोर्ड के हैं तो CBSE की NCERT बुक को ही ओपन करें। स्टेट बोर्ड के हैं तो रिलेटेड स्टेट बोर्ड के, जैसे आप जिस भी स्टेट बोर्ड से हैं उस स्टेट बोर्ड की बुक को ही फॉलो करें। अदर बुक्स को बिल्कुल जरूरत नहीं है पढ़ने की, यानी, और मैं एक एग्जाम्पल के लिए CBSE बोल रहा हूँ, पर अगर आप डिफरेंट बोर्ड के हैं तो यही चीज उस बोर्ड पर प्राप्त होती। आप CBSE बोर्ड पर तो आप NCERT की बुक लीजिए और केवल उन बुक को सॉल्व करिए। अच्छा, उन बुक्स में भी क्या करिए कि उन बुक्स के हर एक्सरसाइज के एंड में क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और हर NCERT की बुक की मिसलिनियस एक्सरसाइज को जरूर करिए। आप, जैसे मैं मैथ्स वाला हूं तो मैं मैथ्स से आपको आइडिया दे रहा हूं, पर ये बात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या हर सब्जेक्ट पे एप्लीकेबल है, तो उसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज को जरूर करिए। दूसरा, हर क्वेश्चन का खुद से आइडियल सॉल्यूशन करिए। और दूसरा, हर अगले 10-12 दिन आपको अपने आप से ही फाइट करनी है कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने सपोज किसी टॉपिक के क्वेश्चन का आंसर दिया है तो इसका और बेहतर आंसर क्या हो सकता है, और बेहतर, मतलब आपको अपने आप को ही बेहतर बनाना है, यहां पर किसी से कंपेयर नहीं करना है। तो सबसे नंबर वन थिंग कि जो आपके फर्स्ट टर्म से अब तक पेपर हुए उनमें आप देखिए, उनसे बहुत कुछ गाइडेंस मिलेगा। मैं क्यों कहना चाहता हूं कि अगर आपके नंबर कम हुए तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने कहां पर राइटिंग में या क्या प्रेजेंटेशन में कमी थी आपकी जिसके वजह से स्कोर कम हुआ, वो प्रेजेंटेशन स्किल्स को वर्क करना, नंबर वन थिंग। नंबर टू थिंग कि केवल अपने बोर्ड की बुक को ही फॉलो करें जिस बोर्ड के आप हैं, स्ट्रिक्टली एंड नो नीड फॉर अदर बुक्स, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नंबर थ्री, मिसलियंस एक्सरसाइज को जरूर करें सॉल्व। नंबर फोर, एक प्रॉपर नींद लें और प्रॉपर डाइट लें, मतलब प्रॉपर नींद लें मतलब 10 घंटे की नींद भी नहीं लेनी और 4 घंटे की भी नहीं लेनी। 5 to 7 hours एक अच्छा टाइम होता है, जिसमें मैं ऑन एवरेज बोलूं तो 6 hours की स्लीपिंग एक अच्छा टाइमिंग माना जाता है। दूसरा, आपके स्टडी आवर्स या तो आप लेट नाइट करते होंगे या अर्ली मॉर्निंग, जो भी करते हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करिए कि अगर आप सपोज लेट नाइट करते हैं तो कितने बजे तक पढ़ते हैं और अगर अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं तो कितने बजे से पढ़ते हैं। इसमें मैं एक चीज़ हमेशा बोलना चाहूँगा, जैसे मेरा एक नेचर था कि अगर मैं लेट नाइट स्टडी करता था तो नॉर्मली 7 बजे तक पढ़ने बैठ जाता था और 7 से 12 या 1 बजे तक पढ़ता था। यानी अगर आप देखें तो 5 to 6 hours मुझे मिलते, और अगर मैं अर्ली मॉर्निंग उठता था तो मेरा एक नेचर था कि मैं नॉर्मली यही टाइम पे 7 to 8 के आसपास सोता था और 2 to 3 उठ के सुबह 9 बजे तक कंटिन्यूसली पढ़ाई करता था। यानी जो लेट नाइट पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उनकी एक कॉमन मिस्टेक होती है कि वो पढ़ने ही लेट नाइट बैठते हैं। मतलब अगर आप पढ़ने ही 9-10 बजे बैठेंगे और फिर आपने 2 बजे तक पढ़ाई करी तो ये लेट नाइट स्टडी सबसे खराब स्टडी मानता हूं मैं। बिकॉज अगर आपने सपोज आपने 9 या 10 o'clock पे आप पढ़ने बैठे, पढ़ने बैठने के बाद एकदम फ्लो में नहीं आते, 10:30, 11 o'clock तक फ्लो में आए, उस समय थोड़ा नींद का एक झोंका आता है, किसी तरह अपने आप को जगाया, फिर 12-1 बजे तक पढ़ाई की, 2 बजे तक की, पर अगर आप ओवरऑल देखें तो आपने 1 to 2 hours स्टडी की हार्डली, और रात भी खराब करी और फिर ये 2-3 बजे सोने पे हम सुबह भी देर से उठते हैं, तो इस पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करना होगा। जैसे मेरा एक पैटर्न था, मैंने आपको बताया 6 या 7 पे बैठता था, 2 hours की स्टडी करी 9 o'clock तक, उसके बाद मैंने डिनर किया, 5 से 15 मिनट डिनर में लगते थे और डिनर के एकदम बाद कुछ नहीं करता था। 15 मिनट डिनर करते समय सोचिए जो 2 घंटे पढ़ा, कुछ एक टेक्निक्स आप डेवलप करिए जो आपके काम आएगी, कि आपको केवल पढ़ना ही नहीं है बल्कि पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज भी करना है। तो रिवाइज कैसे करेंगे, 7 to 9 पढ़ाई करी, हर 2 hours के स्लॉट के बाद
एक 15 मिनट का ब्रेक लेना, पर ब्रेक में क्या करना है वो समझ लीजिए, ब्रेक में मोबाइल फोन, फेसबुक, इंटरनेट, ये सबसे टोटल दूर रहना है। इनफैक्ट अभी इन सब चीज़ों से आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है, बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए। तो उन 15 मिनट में मैं मेंटली जो 2 घंटे पढ़ा था उसका रिवीजन करता था, फिर खाना खा के 5 to 10 मिनट वॉक करी, ये सब प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं। फिर 9:30 से फिर बैठे तो 11:30 तक सेकेंड सेशन, 11:30 तक पढ़ने के बाद फिर आपने 5 to 10 मिनट का ब्रेक लिया, चाहे तो आप चाय, दूध, कॉफ़ी कुछ भी पी सकते हैं, दूध पियेंगे तो नींद आएगी, कॉफ़ी लेंगे तो अच्छा है। 11:30 से 11:45 तक मेंटली जो पढ़ा है वो रिवाइज करा, एंड देन 11:45 या 12 o'clock के आसपास फिर बैठे और 1 या 2 o'clock तक एक अगली सिटिंग ली, यानी आपने 3 स्लॉट लिए और इन 3 स्लॉट में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़िए। पहले स्लॉट में वो पढ़िए जिसमें वीक हैं, दूसरे में सेकंड नंबर, और थर्ड में जिसमें स्ट्रांग है वो सबसे बाद में, क्योंकि जिसमें आप स्ट्रांग होते हैं उसमें इंटरेस्ट आता है, तो वो जो रात का नींद वाला टाइम है उस समय अगर आप वो पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर उस समय वो पढ़ेंगे जिसमें आपको ऑलरेडी परेशान होते हैं, बोर, कोई कई सब्जेक्ट होता है, हो सकता है आपका फिजिक्स आपको अच्छा लगता हो, आपको मैथ्स अच्छा लगता हो सकता है, केमिस्ट्री, डिपेंड हो, तो ये एक स्लॉट हुआ। 1 से 2 बजे के बीच में सोए, 5 to 6 hours की आप नींद लीजिए, मतलब आप 7-8 बजे तक उठिए। उठने के बाद आप सबसे पहला काम रात को जो 6 घंटे पढ़ाई की थी, ब्रश करते समय, फ्रेश होते समय वो रिकॉल करें। ऑलवेज बुक ओपन करके पढ़ाई नहीं करनी है, समटाइम्स बुक बंद करके भी पढ़नी है, और बुक बंद करके वो पढ़ना जो आप पढ़ चुके हैं। एंड देन उसके बाद आपने जो रात को पढ़ाई करी है उस पर उन टॉपिक्स के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक्स लीजिए। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपके काम आएगा, वो है लास्ट 5 years के पेपर्स, सबसे काम में आने वाली चीज़ें जो आपके स्कोर बढ़ाएगी। अगर CBSE में तो CBSE के लास्ट 5 years के पेपर्स, स्टेट बोर्ड में तो स्टेट बोर्ड के लास्ट 5 years के पेपर्स, वो लीजिए। एंड देन उनके उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चंस के आइडियल सॉल्यूशन लिखिए। अभी आपका फोकस पूरी तरह से अपने बोर्ड एग्जाम्स पे हो जाना चाहिए और कुछ भी नहीं, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लिखे, ये 1 घंटे का वर्क करिए। एंड देन अगेन न्यू टॉपिक्स का रिवीजन, और याद रखिए आप रिवीजन कर रहे हैं इसलिए हर टॉपिक की मिसलियस एक्सरसाइज पे ही सीधे जाइए। सबसे पहले फॉर एग्जांपल कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, तो आप पहले बुक बंद करके जब भी पहले उसका जो जो आता है वो पोर्शन ब्लैंक पेज पे लिखिए, फिर सीधे मिसलियस एक्सरसाइज को लिए और क्वेश्चन करिए, या सीधे प्रीवियस ईयर के पेपर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपके 90% प्लस में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखेगा तो वो है प्रीवियस ईयर के पेपर। आप अगर देखें तो लास्ट 5 to 10 years के पेपर को अगर अच्छे से स्टडी करेंगे तो एक बात आप समझेंगे कि पेपर का पैटर्न या पेपर के क्वेश्चंस बहुत सिमिलर होते हैं, तो वो एक काम करना है। तो फिर 9:30 से 11:30 पढ़ा, फिर ब्रेक लिया, हल्का फुल्का कुछ खाया, फिर 12 से 2 पढ़ा, 12 to 2, एंड देन मैं आपको एक बात बोलूँगा, 12 to 2 पढ़ने के बाद लंच करिए एंड देन 30 मिनट का एक शॉर्ट स्लीप लीजिए। ये चीज़ आपको एकदम से न्यू एनर्जी देने वाला है, यानी आपके लिए फिर से एक नए दिन की शुरुआत होने वाली। लंबा नहीं सोना है, 1/2 घंटे सो के उठिए, पानी वानी पीजिए अच्छे से, पानी इनफैक्ट दिन भर पीजिए, चाय लीजिए या कॉफ़ी जो भी लेते हैं, एंड देन अगेन इसी ऑर्डर में पढ़ाई करना चालू करें। और हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, इवन आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी उतना ही वेटेज देना है क्योंकि उनके भी परसेंटेज हैं। एक वेल्ड प्लान्ड स्टडी करने से आप लास्ट 15 डेज में अपने स्कोर्स में बहुत तेजी से चेंज ला सकते हैं। आपका प्री बोर्ड में जो भी स्कोर हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके फर्स्ट सेकेंड टर्म में क्या स्कोर हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसका एक वेल्ड प्लान्ड तरीके से लास्ट टाइम में अगर आपने रिविजन कर लिया तो आप फाइनल एग्जाम में वो कर सकते हैं जो आपने नहीं सोचा है। एक पॉजिटिव माइंड ही सब कुछ चेंज कर सकता है, और वही मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं। तो एक अच्छी नींद की जरूरत होती है, एक अच्छा दिन भर अच्छा खाए पिए, आप पानी पीजिए, खाना ज़्यादा नहीं खाना है पर अच्छा पानी पीजिए, बहुत कोशिश करिए। अगर 30 मिनट का आप कोई गेम भी खेल सकते हैं, 15 दिन बचे फिर भी मैं बोलूँगा क्योंकि, या रनिंग करिए इवन बैडमिंटन के लिए, क्योंकि आपके ब्रेन को फ्रेश होना जरूरी है। और ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको अगर आपने फॉलो किया तो आप लास्ट 15 डेज में अपने आप को पूरी तरह से एक परफेक्ट तैयार करके एग्जाम देने जाएंगे। और दूसरा, एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर लेके नहीं जाना है, पेपर देखते समय ये नहीं सोचना है क्या नहीं आता है, पेपर आते ही ये देखना है कि क्या आता है, जो आता है उस पर फोकस करें, फिर जो नहीं आता है उस पर क्या कर सकते हैं वो आपको धीरे धीरे रिकॉल आएगा, क्योंकि जो आपने टीचर से पढ़ा टाइम किल नहीं करना है, आपके पास अब टाइम नहीं है कि आप 1-1 मिनट भी आपको अपने सेव करना है।
हर मिनट इंपॉर्टेंट है, यानी आप जब लंच कर रहे हैं जब भी रिवीजन कर रहे हैं, जब आप ब्रश कर रहे हैं जब भी रिवीजन कर रहे हैं, जब आप वॉक कर रहे हैं जब भी रिवीजन कर रहे हैं, किसका? जो टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं। दूसरा, मेमोराइज करिए कि जो टीचर्स ने पढ़ाया था वो क्या क्या है। दूसरा, एक और बात बोलूंगा, अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपका अच्छे से कवर नहीं हुआ है, उसको कवर ना भी करें तो चलेगा, कोई बात नहीं, उससे 5-10% कम होते हो। आप जो कवर कर चुके हैं उसी को अगर रिवाइज करेंगे तो परफॉर्मेंस दे पाएंगे। जो नहीं पढ़ा अगर आपने उसको पढ़ने की कोशिश की तो होगा ये कि जो आता है उसमें भी आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है। एक पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करिए। बोर्ड एग्जाम्स के बाद फिर से आपको, क्योंकि अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर फोकस करना है, टेंथ वाले बच्चों को सिलेबस डिसाइड करना, आगे का एम टारगेट करना, उसके लिए मैं एक सेपरेट सेशन लेने वाला हूं, तो वो अलग चीज़ें, पर अभी आप अपना पूरा 100% जो फोकस है वो बोर्ड एग्जाम पे कंसंट्रेट करिए। प्री बोर्ड और हाफ ईयरली के टेस्ट और उसके पहले के टेस्ट में अगर अच्छा स्कोर किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो उनमें जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको एनालाइज करते हुए एक फाइनल एग्जाम में एक बेस्ट स्कोर की तरफ कोशिश करिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।